ये देखिए हमने टोनकीपर वॉलेट ओपन कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपके पास टेलीग्राम वॉलेट है तो उसमें भी ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको टोनकीपर में हेमस्टर के कॉइन मिले उनको आपको सेलेक्ट कर लेना है। हमारे पास हेमस्टर के टोकन नहीं है तो आपको समझाने के लिए हम टोन कॉइन को सेलेक्ट कर लेते हैं। टोन कॉइन को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पे सैंड वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर लेना। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो इसके बाद आपको आपके मोबाइल में जो भी आपके पास एक्सचेंज है उसको ओपन कर लेना है। जैसे हमारे पास बाइनेंस है तो हम बाइनेंस को ओपन कर लेते हैं। बाइनेंस को ओपन करने के बाद नीचे की तरफ एक वॉलेट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद डिपॉजिट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है HMSTR और इसका जो पेयर है वो टोन को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे एक एड्रेस दिखाई देगा, उसको सेलेक्ट करना है और उस एड्रेस को सेलेक्ट करके जो आपका टोन कीपर का एड्रेस वाला ऑप्शन है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमको यहाँ पे जो टैग या मेमो रहता है उसको कॉपी करना है और कॉपी करके जो ये कमेंट वाला ऑप्शन है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो आपको दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं दोस्तों, ये कंपलसरी है। उसके बाद आपके जितने भी हेमस्टर के टोकन है उनको सेलेक्ट कर लेना है। तो इस नीचे की तरफ मैक्स ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे टोकन सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद इनको आपको कन्फर्म और सेंड कर देना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि इनको आप जब ही सेंड कर पाएंगे जब आपके पास कुछ टोन उपलब्ध हो। तो इसके लिए आपको आपके वॉलेट में 0.5 टोन जरूरी है, तो वह आप कहीं से भी परचेस कर लेना। और इस तरह से आप कन्फर्म एंड सेंड पर जैसे क्लिक करेंगे आपके टोन आपके एक्सचेंज में आ जाएंगे। और एक्सचेंज से किस तरह से उनको सेल करना है वह वीडियो हम आपको दे देंगे, उसको आप चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।